सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो आज का जो वीडियो है, इसका जो टॉपिक है वो ये है कि बिहार में और झारखंड और यूपी वाले स्टूडेंट्स का बहुत टाइम से इंटरव्यू नहीं हो रहा था। ठीक है, यूपी वालों का कुछ टाइम तक हुआ भी है, बट बिहार झारखंड वाले का हुआ नहीं था। 2 महीने से ये डिले हो गया था। तो अभी क्या है कि कल मतलब 26 के डेट में, कल के डेट में पटना में बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू है। बहुत सारे लोगों को लोकेशन मिल गया है, उनके मेल और व्हाट्सएप पे उनको मैसेज दे दिया गया है, लोकेशन दे दिया गया है उनको। तो बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, बिहार वाले स्टूडेंट्स बहुत सारे कमेंट्स कर रहे थे मेरे को कि कब इंटरव्यू होगा। तो मैंने सोचा वीडियो बना के डाल दूं, क्योंकि मैं भी थोड़ा बिजी था बैंक के काम से और थोड़ा ट्रेडिंग को भी लेके मैं अभी थोड़ा ज़्यादा उस पर फोकस कर रहा हूँ, इसलिए मैं वीडियो बना नहीं पाया था। तो अभी क्या है कि इंटरव्यू तो कल है, तो बहुत सारे लोगों का जो है मॉर्निंग स्लॉट में, बहुत सारे लोगों का इवनिंग स्लॉट में है। ठीक है, इंटरव्यू के कुछ टर्म्स हैं जो कि मैंने सोचा कि वीडियो में शायद से शेयर करना सही रहेगा, इसलिए मैंने ये वीडियो अभी शूट किया। तो सबसे पहले तो आपको जो भी आपको वहाँ पे वैसे मांगते तो कुछ नहीं है अभी तक, मतलब जितने भी कैंडिडेट से मैंने बात किया जिनका इंटरव्यू हुआ है, उन लोगों ने बोला है कि मांगते वैसे कुछ नहीं है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स वहाँ पे है नहीं। बट आप अपने उसके लिए सूटेबिलिटी के हिसाब से आप अपना जो रिज्यूमे है और जो आपका जो ग्रेजुएशन का मार्कशीट है ओरिजिनल, उसको आप लेके प्लीज जाइएगा। ठीक है, अगर मे बी कहीं वो मांग दे तो वो फिर एक आसान रहेगा वहाँ पे आपको शो करने में, दिखाने में, और थोड़ा हैंडी भी रहता है तो सही लगता है कि हाँ आप प्रिपेयर होके आए हो। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ हो गया। दूसरा कि लड़का हो या लड़की, दोनों को फॉर्मल में जाना है, फॉर्मल ड्रेस में जाओ, और अगर बियर्ड आप क्लीन शेव कर सकते हो तो वो बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालेगा वहाँ पे। प्लीज़, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा सारे लड़कों से, प्लीज़ पूरा क्लीन शेव करके जाओ, ताकि देखो अच्छा तो कोई नहीं लगता है क्लीन शेव में, बट एक होता है कि एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा वहाँ पे। ठीक है, तो प्लीज़ क्लीन शेव कर लेना, पहली चीज़। दूसरी चीज़ की फॉर्मल में जाना, और तीसरी चीज़ की डॉक्यूमेंट्स में ग्रेजुएशन का मार्कशीट एंड आपका वो जो रेज्यूमे है वो लेके जाना। अब अपन बात कर लेते हैं कि क्या क्या वो लोग आपसे पूछ सकते हैं, किस हिसाब से आपको इंटरव्यू देना है, किन सारी चीज़ों पे आपको फोकस करना है। तो सबसे पहले तो आप जाओगे तो वहाँ पे आपका इंट्रोडक्शन होगा, मतलब ऑब्वियस सी बात है कोई नया आएगा तो वो लोग पूछेंगे आप अपने बारे में थोड़ा सा बताओ। तो मेरे हिसाब से इंट्रोडक्शन हमेशा इंग्लिश में रखना, इंग्लिश में रखने से एक अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। ठीक है, जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है वो सही होता है कि एटलीस्ट चलो आप बोल तो सकते हो, क्योंकि जो ICICI बैंक में आपको कस्टमर मिलेंगे वैसा नहीं है कि मोस्ट प्रोबेबली सिर्फ हिंदी के मिलेंगे, इंग्लिश के भी मिलेंगे, अदर लैंग्वेज के भी मिलेंगे, बट बहुत सारे पढ़े लिखे कस्टमर हैं, बहुत सारे फॉरेनर आते हैं अपनी FD कराने यहाँ पे, फॉरेन क्लाइंट्स होते हैं। हो सकता है आपको NRI डिपार्टमेंट दे दिया जाए, आपको कोई और डिपार्टमेंट दे दिया जाए, तो वहाँ पे क्या है कि जब इंग्लिश वाले कस्टमर को आप हैंडल करो, इसलिए वो लोग चेक करते हैं कि आपको एटलीस्ट बेसिक भी आती है नहीं। तो आपका जो इंट्रोडक्शन है वो पूरा इंग्लिश में रहेगा। ठीक है, आफ्टर दैट वो लोग कुछ बेसिक सवाल करेंगे कि आपके रिलेशन से कोई है क्या बैंक में, तो बोल देना कि नहीं है अगर कोई नहीं है। तो फिर वो लोग क्वेश्चन करेंगे कि आपको पता है कि ये सेल्स का जॉब है, आपको एक महीने का एक साल का कोर्स है, फिर कोर्स के बारे में पूछेंगे क्या फीस है, किस तरीके से ट्रेनिंग है, क्या प्रोसेस है, तो PO प्रोग्राम के बारे में पूरा डिफाइन कर देना। फिर वो लोग पूछेंगे कि ये सेल्स का जॉब है, कर पाओगे, पूरा पैन इंडिया कहीं भी आपको दे दिया जाएगा तो कर पाओगे, लोकेशन से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो बोल देना कि नहीं है। फिर उसके बाद पूछेंगे जो आपका रिज्यूमे होगा ना, उसमें आपकी जो भी क्वालिफिकेशंस हैं, 10th 12th और ग्रेजुएशन में आपका जो भी स्ट्रीम है उससे रिलेटेड वो लोग कुछ पूछ सकते हैं, उससे रिलेटेड किसी सब्जेक्ट से वो लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो उसको एक बार देख लेना, एटलीस्ट सब्जेक्ट तो देख लेना क्या क्या पढ़ा था। होता क्या है कि जब ग्रेजुएशन पास आउट अपन हो जाते हैं तो हमें सब्जेक्ट्स भी याद, मुझे तो याद नहीं है, तो हमें सब्जेक्ट्स भी याद नहीं होता कि क्या क्या पढ़े थे अपन। ठीक है, टाइम के साथ इंसान भूल जाता है, तो प्लीज़ एटलीस्ट वो देख लेना, क्योंकि उससे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। और बीकॉम वाले लोग हैं वो लोग खास करके देख के जाना, क्योंकि अगर 100 बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है तो उसमें मेरे हिसाब से 70 से 75 बच्चे बीकॉम वाले जा रहे हैं, क्योंकि ये बैंकिंग है तो उससे वो रिलेट हो जाता है, सारा चीज़ उससे रिलेट हो जाता है, इसलिए ये लोग बीकॉम वाले को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग अपना पूरा सब्जेक्ट लेके जाना, और जो बीकॉम से नहीं है प्लीज़ वो डिमोटिवेट मत होना, उनका भी सिलेक्शन होगा, प्लीज़ अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ। ठीक है, कॉन्फिडेंट रखना, आई कॉन्टैक्ट बना के रखना, और एक तो आपके सामने बैठे रहेंगे जो भी होंगे, RH होंगे या BM हो सकते हैं, DBM हो सकते हैं, वॉट एवर जो भी फ्री होगा बैठ जाएगा। ठीक है, और दूसरा एक ऑनलाइन वीडियो कॉल पे वहीं पे होगा, मतलब एक जने आपके साथ ऑनलाइन रहेंगे और एक जने ऑफलाइन रहेंगे, एक जने ऑफलाइन हो सकते हैं या 2-3 जने भी हो सकते हैं। ठीक है, तो उस टाइम पे कंफ्यूज नहीं होना है, जो जैसा भी क्वेश्चन है जिस हिसाब से आपको सूटेबल लगता है, जिस हिसाब से आपको लगता है कि इसका आंसर ये होना चाहिए, आप उसका आंसर करना। अबाउट ICICI बैंक के बारे में पूछेंगे, कितने एम्प्लॉयज हैं, क्या इस कब ये फाउंड हुआ था, कौन फाउंडर है क्या नहीं, इसकी हिस्ट्री क्या है। तो ईजिली गूगल करो CRR, रेपो रेट जो भी है, ये सारी चीज़ें, फाइनेंशियल जो भी टर्म है सब कुछ देख लो,
अच्छे से रट्टा मारना है रट्टा मार लो, समझना है समझ लो, जैसे करना है कर लो, और ये सारी चीज़ें देख लो अच्छे से, और अपने रिज्यूमे को अच्छे से पढ़ के जाना। प्लीज़ आपने जो भी उसमें मेंशन किया है ना, वो लोग उसी से पूछेंगे, मैं लिख के दे रहा हूँ, वो लोग उसी से पूछेंगे कि आपका ये सब्जेक्ट था, आपका बीकॉम था, बीकॉम में फर्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में, थर्ड पार्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट्स थे, इस सब्जेक्ट में से कोई भी एक टॉपिक उठा के, जैसे बिजनेस स्टडी है, उसमें से कोई भी टॉपिक उठा के पूछ देंगे। फिर ये पूछ देंगे कि आप बीकॉम करके फिर आपने एमबीए क्यों नहीं किया, आपको उसका आंसर देना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। तो रिज्यूमे पूरा अच्छे से पढ़ लेना, और अबाउट ICICI बैंक तो पूरा देख ही लेना, पूरा गूगल कर लो, सब कुछ जितना देख सकते हो देख लो, उससे भी रिलेटेड ये लोग पूछ सकते हैं, जो भी फाइनेंशियल टर्म्स हैं वो सारे देख लेना, बैंकिंग के जितने भी सारे प्रोडक्ट्स हैं, FD हो गया, कासा क्या होता है, डीमेट क्या होता है, SIP क्या होता है, ये तो बेसिक है। SIP म्यूचुअल फंड तो अपन करते हैं, महीने का 5,000-7,000 रुपये तो अपन भी इन्वेस्ट करते हैं, तो वो तो एटलीस्ट सबको पता होना चाहिए, नहीं है तो प्लीज़ पता करो, ये बैंकिंग ही नहीं मतलब आपको आगे भी बहुत काम देगी, ठीक है। अब बहुत सारे लोग मेरे से कल, क्योंकि अब मैं क्या है कि ट्रेडिंग का जो भी मेरा प्रॉफिट होता है उससे भी रिलेटेड मैं वीडियोस डाल रहा हूँ कि आज मेरा क्या प्रॉफिट हुआ, किस तरीके से मैं कर रहा हूँ, तो बहुत सारे लोग मेरे से ये पूछ रहे थे कि क्या जब NISM का जब मैं वहाँ पे पढ़ाई कर रहा था तो उससे रिलेटेड ये कुछ टेक्निकल या फंडामेंटल एनालिसिस यहाँ पे बताते हैं क्या ट्रेडिंग का, तो वहाँ पे ट्रेडिंग का कुछ नहीं बताते हैं। म्यूचुअल फंड बिल्कुल अलग है ऑप्शन ट्रेडिंग से, मैं जो करता हूँ वो स्टॉक में ऑप्शन ट्रेडिंग है, ठीक है, ठीक है, और वो जो है वो म्यूचुअल फंड है, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, तो उसमें और इसमें पूरा जमीन आसमान का फर्क है, तो उसका और आपको म्यूचुअल फंड का भी वहाँ टेक्निकल और फंडामेंटल नहीं बताया जाता है, वो एक बेसिक एग्जाम है जो कि आपको क्रैक करना है, वो एक फॉर्मेलिटी है। तो आप SIP और जो भी है म्यूचुअल फंड आप कस्टमर को पिच करोगे, सेल करोगे, तो आपके कोड में काउंट होगा, दैट्स इट, इसके आगे उसका कोई मतलब वो नहीं है, ठीक है। ट्रेडिंग की बात है तो मैं भी ट्रेडिंग 3-4 साल से कर रहा हूँ, ऑप्शन में मैंने बहुत, मेरा भी लॉस हुआ है, बहुत कुछ सीखा है, तो आज सीखते सीखते थोड़ा बहुत मैं अर्न कर लेता हूँ डेली का, ठीक है, तो वो बैंकिंग के साथ साथ ही हो रहा है, क्योंकि एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम भी जरूरी है लाइफ में मेरे हिसाब से, ठीक है, अपने एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो प्लीज़ इंटरव्यू में जाना तो थोड़ा कॉन्फिडेंट, मतलब ऐसा नहीं कि अगर वो लोग कुछ मजाक कर रहे हैं, देखो मजाक होता है, मेरे साथ भी हुआ था, अब मजाक कर रहे हैं, या फिर अगर आपको थोड़ा सा डिमोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप फिर पूरा डिमोटिवेट हो जाओ, वहीं रिजेक्शन आ जाएगा, इंटरव्यू देकर निकलोगे गेट पर जाओगे रिजेक्शन आ जाएगा, आपको मेल आ जाएगा दैट यू आर नॉट सेलेक्टेड, उसका कोई मतलब ही नहीं है, आराम से जाओ, चिल माइंड होकर जाओ, UPSC का इंटरव्यू देने नहीं जा रहे हो, 30-35 हज़ार की नौकरी है, प्राइवेट जॉब है, उसकी इंटरव्यू देने जा रहे हो, बाकी और कुछ नहीं है, आपसे कोडिंग वोडिंग नहीं करा रहे हैं वो लोग, और आपसे GD नहीं, ग्रुप डिस्कशन नहीं करवा रहे कि 10 लोग में आपका सिलेक्शन होगा नहीं होगा, ये टेंशन है, सिंगल इंडिविजुअल जाओगे, अपना बेस्ट दोगे, 100% 110% दोगे, आपका हो जाएगा, बहुत अच्छा दोगे आप इंटरव्यू दे के आओगे, 2-3 दिन के बाद आपका मेल आ जाएगा, ठीक है, ऑफर लेटर आपको आ जाएगा, ऐसा हो रहा है, जिनका बहुत अच्छा इंटरव्यू जा रहा है, बहुत सारे लोगों ने मेरे को मैसेज किया है, कॉल भी किया था कि 2 दिन पहले मेरा इंटरव्यू हुआ था, आज मेरे को ऑफर लेटर आ गया 89 का, इतनी जल्दी आ गया, मेरे को 4 नवंबर को ही निकला, मैंने बोला भाई तेरे को तो 9 दिन दे दिया टाइम, मेरे को 2 दिन दिया था, 2 दिन में सारा कुछ मैनेज करके पैकिंग वैकिंग करके निकलना था। तो प्लीज़ मेक श्योर कि कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है, अगर आपको कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तो प्लीज़ वहाँ पे बोल देना, सॉरी सर मैं अभी इसको मतलब मेरा भी दिमाग में नहीं है, मैं यहाँ जाने के बाद इसको एक बार देख लूँगा, बट कॉन्फिडेंस जो है वो होना चाहिए बैंकिंग में, मतलब मैं काम कर रहा हूँ मुझे पता है एक ही चीज़ है, आप कस्टमर से कैसे इंटरेक्ट कर रहे हो ना, सबसे बड़ी चीज़ है ये, ठीक है, जब आपको कस्टमर सर्विस दिया जाएगा, जब आप काउंटर पे बैठोगे, जब आप कस्टमर को सर्व करोगे, तो जो उसकी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी उसके क्वेरीज हैं, उसको आप किस तरीके से हैंडल कर रहे हो, हाउ पोलाइटली, ठीक है, उस चीज़ को आपको दिखाना है, और जो भी प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो तो कि इनडायरेक्टली कैसे उसको सेल कर रहे हो आप, वो दिखाना है, क्योंकि बैंकिंग जो है वो सेल्स का आप समझो कि वो काम नहीं है, बैंक के जो कुछ प्रोडक्ट्स हैं, सारे बैंक के अपने अपने प्रोडक्ट्स हैं, सारे बैंक के अपने अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग हैं, ठीक है, हर बैंक के रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग है, अब हमारा थोड़ा सा 0.5 या 0.25 क्यों ज़्यादा है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देखो मैं बताने को तो बहुत कुछ बता दूँ, ऐसे ही आपके क्लियर हो जाएगा, बट ठीक है, पहले आप लोग अपना बेस्ट दो, फिर मैं गाइड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं वीडियो बना दूंगा उससे रिलेटेड, अभी बहुत सारे बैचेज आएंगे, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप, और ऐसा नहीं है कि आप कोई और ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के आए हो, आपको सेल्स का एक्सपीरियंस है तो आप ये बोल दो कि नहीं वो ऐसा था वैसा था, वहाँ के लोग ऐसे थे, ऐसा नहीं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन जब आप निकलते हो ना, किसी ऑर्गेनाइजेशन जब आप काम करके निकलते हो ना, तो प्लीज़ उस ऑर्गेनाइजेशन की बुराई दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के सामने मत करना, ये इम्पैक्ट आपका गलत होता है, आप गलत प्रूफ हो जाते हो, ऑर्गेनाइजेशन गलत कभी नहीं हो सकती है, वो पैसे दे रहे हैं तो आपका घर चल रहा है, आपको अभी जरूरत है पैसे की, तभी आप जॉब कर रहे हो, तभी आप 12 घंटा काम कर रहे हो, प्राइवेट जॉब कर रहे हो या फिर गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपकी नीड है, तो अगर वो लोग महीने का जो भी आपको दे रहे हैं 30 दिन के बाद आप जब पूरा काम कर रहे हो तो आपका घर चल रहा है या फिर आप चल रहे हो, तो प्लीज़ ऐसा बुराई कभी नहीं करना, जो भी सेल्स का एक्सपीरियंस है बताना,
अब वो लोग पूछेंगे कि वो ऑर्गेनाइजेशन आप जो भी इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन है आपने क्यों छोड़ा, बैंक में क्यों होना चाहते हो, प्लीज़ पोलाइटली उसका आंसर करना, गलत नहीं था, ये नहीं था, मैंने छोड़ा क्योंकि मेरा ये कारण था, ठीक है। वो आप लोग अपना खुद का सोच लेना, क्योंकि मैं कुछ बोलूंगा तो वो सब रिलेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि सबका अपना अपना अलग रीज़न होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, काफ़ी कुछ बता दिया, तो प्लीज़ बिहार वाले, मैं बिहार से हूँ, मुझे पता है कि हमारे बोलने का तरीका कैसा है, अपन कैसे बात करते हैं और जो हमारा कॉन्फिडेंस है वो कैसा है। कॉन्फिडेंस में तो अपन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, फोड़ देंगे हमें, मुझे पता है बिहार वाले कॉन्फिडेंस में फोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट जो एक हमारा टोन है ना, अपन अगर इंग्लिश भी बोलते हैं ना तो वो एक जो हमारा जो बिहार का जो टोन है ना, जो भोजपुरी का थोड़ा सा आ जाता है, वो कहीं ना कहीं आ जाता है। आप कितना भी अच्छा हिंदी बोल लो, कितना भी अच्छा इंग्लिश बोल लो, वो कहीं ना कहीं वो टोन आ जाता है हमारे अंदर। तो उसमें हमारी कोई गलती नहीं है, वो उस समाज से अपन बिलोंग करते हैं और हर जगह के लोगों के साथ ऐसा होता है। तो प्लीज़ आप लोग ये मत सोचना कि मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ तो मैं बहुत ख़राब, आप कोशिश कर रहे हो ना, ठीक है। अपन मान सकते हैं कि हमारे यहाँ इंग्लिश थोड़ा सा चलो वो कम है, हिंदी पे हमारा ज़्यादा फोकस है, भोजपुरी पे ज़्यादा फोकस है, बट ठीक है, अपना लैंग्वेज बोलने में कोई बुराई नहीं है। बट प्लीज़ इंट्रोडक्शन इंग्लिश में कर लेना, थोड़ा सा टोन वगैरह ऊपर नीचे होगा वो चल जाएगा, बट आपका कॉन्फिडेंस सही रहेगा तो वो लोग आपको इजिली सेलेक्ट कर लेंगे बिना कुछ बोले, ठीक है। तो प्लीज़ बहुत खुशी हो रही है यार, क्योंकि 2 महीने के बाद फाइनली, मतलब बिहार झारखंड वाले यूपी वाले सब भाई भाई हैं, मतलब फाइनली, मतलब 2 महीने के बाद ये जो हो रहा है ना प्रोसेस, और पटना में हो रहा है, बोरिंग रोड में सारे बच्चे पहुंचेंगे एक बार में, बल्क में पूरा पहुंचेंगे, और ये बिहार वाले का बिहार वाले से कंपटीशन है। तो प्लीज़ ये जलन वलन मत रखना, सब भाई बहन ही है, तो अपना पूरा 100% तो जिसका होना होगा हो जाएगा, बाकी भगवान के हाथ में। और प्लीज़ मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम, क्योंकि जब मैं पढ़ता था तो अगर मेरे सेक्शन में 60-70 बच्चे थे तो 60 बच्चों में मतलब 45, आप मान लो कि 45 बिहार और महाराष्ट्र के लड़के थे, लड़कियां थी 45, मात्र 15 बच्चे अलग स्टेट के थे। इतना मतलब हमारे यहाँ से लोग जाते हैं बिहार, इसलिए ये 2 महीना भी बंद कर रखा था। बिहार और यूपी से और महाराष्ट्र से और झारखंड से बहुत लड़के जाते हैं पीओ बैच में, बहुत लड़कियाँ जाती हैं पीओ बैच में, सबको रीज़न पता है क्यों जाते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग अपना 100% दो, और जो भी मैंने बताया बस आप उस पर फोकस कर लो, इसके अलावा आपसे कुछ नहीं पूछेंगे, ना उन्होंने आपको कभी बैंकिंग दिया है, ना उन्होंने आपको कभी पढ़ाया है कि आपसे कुछ भी पूछेंगे। 2-4 टर्म्स होते हैं बैंकिंग के, वो आप लोग देख लेना गूगल पे, सबको अच्छे से समझ लेना, अपने रिज्यूमे को प्रॉपर पढ़ के जाना ताकि आप एक्सप्लेन कर पाओ, कहीं फंसो मत, और झूठ तो बिल्कुल मत बोलना, झूठ बोलोगे वेरिफिकेशन के टाइम पे फंस जाओगे, और जब फंसोगे तो फिर भाई तो वो तो ब्लैकलिस्टेड हो जाओगे, फिर कोई मतलब ही नहीं है। ये बैंक है, पूरा वेरिफिकेशन करेगी आपकी, तभी आपको ऑफर लेटर मिलेगा, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट सबको, और प्लीज़ बिहार का नाम रोशन करो, झारखंड यूपी का नाम रोशन करो, और अच्छे से इंटरव्यू दो, और जिनका सिलेक्शन हो जाए प्लीज़ मेरे को कमेंट कर देना कि मेरा सिलेक्शन हो गया, स्टेट मेंशन कर देना, बहुत अच्छा लगता है जब अपना कोई पहुंचता है तो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए लास्ट तक, और प्लीज़ थोड़ा चैनल को सपोर्ट भी कर दो इसी बहाने, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।